मेरा मत है कुछ ऐतिहासिक स्थानों का महत्व होता है, जैसा तीर्थ स्थान का है वैसे ही है। अब बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जुड़े हुए पंचतीर्थ की तरफ मैंने काम किया है, जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ, यूके में जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर रहते थे, बाबा साहब आम्बेडकर जहाँ पर दीक्षा ली, बाबा साहब आम्बेडकर जहाँ काम करते थे, बाबा साहब आम्बेडकर को जहाँ अंत्येष्टि हुई, इन पांचों स्थानों को मैंने बहुत अच्छी तरह डेवलप किया है, एक का काम चल रहा है। तो पंचतीर्थ एक प्रकार से बहुत ही लोगों के लिए, जो लोग देश में आज़ादी के बाद जो बदलाव आया उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाबा साहब आम्बेडकर, उसके जीवन को समझने के लिए पंचतीर्थ की यात्रा बन गई। दांडी हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना, लेकिन दांडी को भुला दिया गया था। मैंने पूरा दांडी का पुनर्निर्माण किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मेरे मन में था कि भारत को दुनिया बड़ी ताकत से देखे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डबल साइज का है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है और पूरी वहाँ व्यवस्था बनी है। तो टूरिज्म को डेवलप करना, सत्ता स्थानों को डेवलप करना, हमने इस क्षेत्र का सब भरपूर, और ये देश की इकोनॉमी को बल देने वाला है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है, और उसके लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं।